नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज है और उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी की बात भी काफी तेज है। कुशवाहा दिल्ली गए हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है और खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा अब ये तय कर लेंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। दो बार वो दिल्ली गए और दोनों बार नए एजेंडों के साथ बिहार में लौटे हैं। पिछली बार दिल्ली से आए तो अपने हक और हिस्सेदारी की बात कर दी। दिल्ली से ही उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा कि उनका जो हक है वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना ही पड़ेगा। और इस बार एक बार फिर से दिल्ली गए हैं, इस बार क्या नया सिगुफा रहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अपने हक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है कि जदयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। भले ही नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, जदयू नेता कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल के साथ उनका जो सांठगांठ है, संबंध है, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जदयू के कई सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। खबरों की माने तो जदयू के राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो रही है और बिहार से कई नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में क्या कुछ बड़ा फैसला करते हैं और गुप्त मीटिंग जो वो कर रहे हैं, इसका परिणाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड पर क्या पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से सांसदों को लेकर चर्चा में है कि उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में कई सांसद हैं और वो सभी सांसद कुशवाहा गुट में शामिल हो सकते हैं। खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा उन सांसदों पर नजर गड़ा कर रखे हैं जिनका मानना है कि आने वाले दिनों में 24 चुनाव में अगर भाजपा का साथ नहीं मिला तो वो चुनाव हार सकते हैं। उनके अंदर इस बात को लेकर शंका है और प्रधानमंत्री मोदी में आस्था रखते हैं वो सभी सांसद कुशवाहा गुट की तरफ रुख कर सकते हैं। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की कई अहम बैठक हुई है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इस बार क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त में पता चल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।